एमजी मोटर ने भारतीय बाजार में ऑल न्यू 2021 हेक्टर फेसलिफ्ट को लॉन्च किया है। हेक्टर फेसलिफ्ट की शुरुआती कीमत 12,89,800 रुपए एक शोरूम है। इस नए फेसलिफ्टेड वर्जन को कंपनी ने देश में अपने पहले लॉन्च से मात्र 18 महीने के भीतर ही लॉन्च किया है। ऑल न्यू हेक्टर 4 वेरिएंट्स में उपलब्ध होगा, स्टाइल, सुपर, स्मार्ट और शार्प। शार्प डीजल मैनुअल वेरिएंट में सबसे ऊपर होगा। इसकी कीमत 18,32,800 रुपए एक शोरूम है। अब नई हेक्टर का मुख्य आकर्षण ग्रिल है, जो अब क्रोम आवेशन की सुविधा देता है और शानदार दिखता है। ये कार को एक अपमार्केट लुक देता है। फ्रंट के बाकी हिस्से पिछले मॉडल के समान है। ये डायनामिक इंडिकेटर और एक फुल LED हेडलाइट सेटअप के साथ LED DRL की सुविधा जारी रखता है। नया हेक्टर अब ड्यूल टोन पेंट स्कीम के साथ उपलब्ध होगा और इसमें ORVMs को ब्लैकआउट किया जाएगा, जिसमें इंटीग्रेटेड इंडिकेटर्स और प्रत्यक्ष पक्ष में 360 डिग्री कैमरा सुविधा के लिए एक कैमरा होगा। अब इसे 18 इंच के पहियों का एक सेट मिलता है, जो ड्यूल टोन में आता है। हालांकि अलॉय का डिज़ाइन ZS EV पर देखा गया है। ये एक बड़ी व्हीकल है। अब SUV के समग्र आकार के साथ पहियों का आकार अच्छा हो रहा है। साइड प्रोफाइल के बाकी हिस्से समान है और उन्हें चारों ओर अधिक क्रोम मिलता है। पीछे के छोर पर चलते हुए केवल एक ध्यान जाता है, तो वो है रिफ्लेक्टिव लाइट, जो दोनों टेल लाइट्स को जोड़ती है। इसे ग्लॉस ब्लैक स्ट्रिप द्वारा बदल दिया गया है। इसके अलावा SUV प्री फेसलिफ्ट मॉडल के समान ही है। अंदर की तरफ नए हेक्टर में ड्यूल टोन बेज और ब्लैक थीम इंटीरियर, ड्राइवर और पैसेंजर के लिए हवादार शांत सीटें, एडिशनल USB A टाइप चार्जिंग स्लॉट और एक वायरलेस स्मार्टफोन चार्जर है, जो ठीक फ्रंट में स्थित है। इसमें गियर लीवर, वॉइस कमांड को भी अपडेट मिलता है और अब कमांड को हिंदी और अंग्रेजी दोनों में दिया जा सकता है। MG हेक्टर फेसलिफ्ट पर इंजन और ट्रांसमिशन विकल्प आउटगोइंग मॉडल के समान होंगे। ये दो इंजन विकल्पों के साथ पेश किया जाना जारी रहेगा। 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन, जो 143 BHP और 250 NM का टॉर्क उत्पादित करती है, और दूसरा 2.0 लीटर डीजल इंजन, जो 173 BHP और 350 NM का टॉर्क देता है। पेट्रोल इंजन 48V माइल हाइब्रिड वेरिएंट के साथ भी पेश किया जाता है, जो बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी और लो एंड ग्रंट प्रदान करता है। सभी इंजन ऑप्शन स्टैंडर्ड के रूप में 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के लिए आते हैं, जबकि नॉन हाइब्रिड पेट्रोल इंजन को ऑप्शनल DCT ट्रांसमिशन यूनिट के साथ पेश किया जाता है। नया हेक्टर सभी नए परिवर्तनों के साथ अच्छा दिखता है और अब ये एक बेहतर पैकेज बन गया है। MG हेक्टर फेसलिफ्ट भारतीय बाजार में आगामी जीप कंपस फेसलिफ्ट, टाटा हैरियर और निसान किक्स को टक्कर देगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करें। ऑटो अड्डा चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट करके हमें बताएं।